फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति एंड हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ LIC से ही रिलेटेड वीडियो लेके आती हूं जो कि आपको नॉलेज देती है और आपके काम आती है। तो फ्रेंड्स, आज का भी पॉइंट मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आई हूँ जो कि आपके लिए आज की भी वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले मेरा एक चैनल था स्मॉल लर्निंग हब के नाम से, जो कि मुझे रिकवर नहीं मिल पाया। इनफैक्ट मैं अभी भी उसके लिए ट्राई कर रही हूँ, बट फिर भी उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये नया चैनल बनाया है जिस पर कि हम फिर से काम कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है, इनफैक्ट आपको ही नहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये LIC के एजेंट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा चेप हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपके पीछे पड़ते हैं कि LIC ले लो। और आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि वो लोग इतना फोर्स क्यों करते हैं, आखिर उनका मकसद होता क्या है? क्या वो सिर्फ एक प्लान बेच के आपसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं, या फिर उसके पीछे उनको कुछ बहुत सारे पैसे देती है LIC, या फिर उनका ये एक तरीके से काम है, या फिर इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमें नहीं पता और वो आप जानना चाहते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास कोई भी एजेंट आता है और वो आपको प्लान बताता है, आपके जीने से ज़्यादा आपके मरने के बारे में आपको बातें बताता है। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये बातें ज़रूर आती होंगी कि देखिए, ये पर्सन तो हमारे ही मरने की बातें हमारे सामने कर रहा है, हम इससे प्लान क्यों लें, और आखिर इसको हमें प्लान बेच के फ़ायदा क्या है? हो सकता है कि ये ही हमारी पॉलिसी से कुछ ऐसी चीज़ कमा ले जो कि हमें पता ना हो, तो हमें इससे प्लान नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा होता है, इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जो कि एजेंट के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एजेंट्स क्यों आपको इतना पॉलिसी के लिए फोर्स करते हैं कि आप उनसे पॉलिसी ले लें, प्लस वो आपको आपके जीने से ज़्यादा आपके मरने के फ़ायदे क्यों बताते हैं, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को एंड में लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एजेंट, यानी कि बहुत से एजेंट होते ही हैं कि जो आपके पीछे पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा कि पॉलिसी ले लो। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि इस पर्सन को हमारे पॉलिसी लेने से क्या प्रॉफिट है? कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ज़रूर होगा, इसलिए ये हमारे पीछे पड़ता है। कहीं ये हमारी पॉलिसी से कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कमा लेगा, या फिर कहीं ये हमारे पैसे डुबा तो नहीं देगा? तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि एजेंट्स आपके पीछे इतना क्यों पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, आपको एजेंट्स के बारे में जानने से पहले आपको LIC के बारे में जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम LIC की बात करें तो LIC की जो स्थापना है वो 1956 1 सितंबर में हुई थी, यानी कि आज से लगभग 66 साल पहले LIC की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये बात अच्छे से समझ सकते होंगे कि अगर कोई कंपनी 66 ईयर से इंडस्ट्री में टिकी हुई है, मार्केट में टिकी हुई है, तो उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही लोगों पे, क्योंकि 66 साल किसी भी कंपनी को टिकना हम नॉर्मल बात नहीं बोल सकते। तो फ्रेंड्स, उस कंपनी में कुछ ना कुछ खासियत तो होगी ही। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LIC ऑफ इंडिया जो कंपनी है, ये लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ का भी इंश्योरेंस करती है और भी काफ़ी जनरल इंश्योरेंस भी करती है। लेकिन फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग LIC के लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स, LIC इतनी बड़ी कंपनी है कि LIC को बिजनेस करने के लिए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जो LIC है वो एजेंट्स को, जो एजेंट होते हैं उनको अपॉइंट करती है, ताकि जो एजेंट उनके लिए बिजनेस लेके आए। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हर कंपनी का हिसाब होता है कि हर कंपनी अपनी स्टाफ रखती है, एम्प्लॉय रखती है, और उनको वर्क लाना होता है, प्लस LIC उसको इसके बदले सैलरी देती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से भी जो एजेंट होते हैं उनका भी काम
इसी तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, अगर एजेंट LIC कंपनी को बिजनेस ला के देते हैं तो उसके बदले में उनको कमीशन दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको कई बार ये भी लगता होगा कि वो जो कमीशन मिलता है वो आपकी पॉलिसी में से ही दिया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही गलत सोच है आपकी, क्योंकि फ्रेंड्स जो एजेंट्स लोग इतनी मेहनत करते हैं उसकी एज ए सैलरी उनको कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड्स इसलिए LIC के एजेंट आपके पीछे इतना ज़्यादा पड़ते हैं। अब फ्रेंड्स, जब LIC के एजेंट आपके पीछे इतना ज़्यादा पड़े होते हैं तो आपको ये लगता है कि हमारी पॉलिसी होने से इसको ज़्यादा फ़ायदा है। और क्या होता है कि LIC के जो एजेंट होते हैं वो ये भी बताते हैं कि आपके मरने पे आपको ये मिलेगा, आपके मरने के बाद आपको वो मिलेगा, आपकी नॉमिनी को ये मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये एजेंट तो सिर्फ हमारे मरने के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बात नहीं पता कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC कंपनी में अगर कभी भी डेथ क्लेम आता है तो LIC को वो डेथ क्लेम पे करना होता है। तो फ्रेंड्स, LIC कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके पॉलिसी होल्डर की कभी भी डेथ हो। इनफैक्ट जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ वगैरह होती हैं तो LIC हमेशा ही ये चाहता है कि उसके किसी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ ना हो। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक सवाल है कि एजेंट्स लोग आपको ये बातें क्यों बताते हैं कि आपके डेथ से ये होता है, आपके डेथ पे वो होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो चीज़ें सोचते हैं हम उस पॉइंट तक नहीं सोच पाते, क्योंकि फ्रेंड्स हम सिर्फ क्या सोचते हैं, हमने आज ये किया, हमें कल वो करना है, हमें परसों वो करना है और हमें उसके अगले दिन ये करना है। फ्रेंड्स इतनी ही हमारी सोच है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को भी एक बार ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा। फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो तो सबको ही पता है कि किस दिन हमारा जन्म हुआ है, बट फ्रेंड्स डेट ऑफ डेथ किसी को भी नहीं पता होता। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं पता होता, हो सकता है कि कल ही मुझे कुछ हो जाए या फिर किसके साथ क्या होना है ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए फ्रेंड्स जो एजेंट्स लोग होते हैं वो आपको डेथ के बेनिफिट्स इसलिए ज़्यादा बताते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ की वैल्यू को समझें, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ की कीमत उसके खोने के बाद ही होती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए उस चीज़ को खोने से पहले ही रियलाइज़ करवाते हैं आपके एजेंट, लेकिन आपको लगता है कि इसमें एजेंट का ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि एजेंट्स को सिर्फ कमीशन मिलता है उनके काम का, और फ्रेंड्स आपकी जो पॉलिसी करवाते हैं वो लोग कोई भी पर्सन है। फ्रेंड्स अगर मान के चलते हैं कि किसी भी पर्सन ने 10 लाख की पॉलिसी करवाई और 5 साल बाद उस पर्सन के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो फ्रेंड्स उसके नॉमिनी को सीधे सीधे 10 लाख रुपए तो एट द मोमेंट ही दे दिए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जिस टाइम पे एजेंट्स लोग जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ये बातें समझाते हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती क्योंकि उस टाइम पे वो इस लेवल तक नहीं सोचते। इसलिए फ्रेंड्स जो एजेंट्स लोग होते हैं उन्हें थोड़ा डीपली जाके क्लाइंट्स को समझाना पड़ता है। इसीलिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि एजेंट्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। LIC के एजेंट्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं। फ्रेंड इसके अलावा अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे देती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपको अगर पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे इस सवाल का भी जवाब देना चाहूँगी। फ्रेंड्स अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसे दो लोग हैं जो कि आपके तुरंत पैसे मांगने पे, यानी कि अब अगर आप उनको अभी फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और अगर वो पर्सन आपको अभी तुरंत 10 लाख रुपए दे के जा सकता है तो दोस्तों आपको LIC पॉलिसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके रिलेशन में आपके नेबर्स में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको एट द मोमेंट पैसे नहीं दे सकता तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आज ही एक पॉलिसी की ज़रूरत तो है ही। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को देखते हुए आपको एक तो LIC का प्लान लेना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप 10,000 का फ़ोन लेते हैं उसका आप इंश्योरेंस करवाते हैं, आप 20 लाख की गाड़ी लेते हैं उसका आप इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन आपकी जो लाइफ है जो इतनी अनमोल है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, उसका आप इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाते। वो भी फ्रेंड्स रिक्वायर्ड है, इनफैक्ट अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए तो आपको एक प्लान लेना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स आप अगर कोई भी प्लान लेते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है, जो LIC का एजेंट होता है उसको सिर्फ उसका मेहनत का कमीशन मिलता है, आपकी पॉलिसी में से उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा कि
मेरा चैनल था पहले जो कि मुझसे खो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे प्लीज़ इस चैनल पे सपोर्ट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें और जल्दी से मेरे चैनल को शेयर कर दें ताकि और लोग भी मेरे साथ जुड़ पाएँ, मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मेरी और वीडियो देखने के लिए फिर से विज़िट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।